पिछली वीडियो में हमने पार्ट 12 गुंडाधुर पाठ के आधे भाग का अध्ययन किया था। पाठ के शेष भाग का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, पाठ को पढ़ते हैं। 2 फरवरी 1910 को सबसे पहले बस्तर में इस ऐतिहासिक भूमकाल की शुरुआत हुई। बस्तर का पुलसावाल बाजार सबसे पहले लूटा गया, एक भूचाल सा आ गया। पुलिस थाने लूटे गए, शोषकों को मारा गया और जंगल विभाग के कार्यालय नष्ट कर दिए गए। इस विद्रोह की आग देखते ही देखते पूरे बस्तर में फैल गई। राजा ने इस विद्रोह की सूचना अंग्रेजों को दे दी। अंग्रेज सरकार ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए मेजर जनरल गेयर तथा डिब्रे को 517 सैनिकों के साथ बस्तर भेजा। क्रांतिकारियों ने मेजर जनरल गेयर तथा डिब्रे को 500 सशस्त्र सैनिकों के साथ बस्तर भेजा। क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सैनिकों को घेर लिया। एक तरफ धनुष बाण भालों और फरसों से लैस भूमिका लिए थे तो दूसरी ओर अंग्रेज और उनके बंदूकधारी सैनिक। एक तरफ धनुष बाण भालों और फरसों से लैस भूमिका लिए थे तो दूसरी ओर अंग्रेज और उनके बंदूकधारी सैनिक। अंग्रेज सैनिकों ने गोलियां चलाई जिससे 5 क्रांतिकारी मारे गए, पर विद्रोह अन्य स्थानों पर भी फैल गया। गुंडाधुर और उसके सहयोगी लाल कालेंद्र सिंह, रानी सुवर्ण कुंवर, बाला प्रसाद नरसिंह तथा दुलार सिंह विद्रोह की आग को हवा दे रहे थे। वे क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत थे। डोंगर गांव, अलनार तथा अन्य कई स्थानों पर चली इस तरह की मुठभेड़ों में लगभग 500 क्रांतिकारी मारे गए। 2 फरवरी 1910 में सबसे पहले बस्तर में ऐतिहासिक भूमकाल की शुरुआत हुई। बस्तर के पुलवास बाजार को सबसे पहले लूटा गया और एक भूचाल सा आ गया। भूचाल सा आ जाना अर्थात हलचल सा मचना। हमारे आसपास अगर कोई घटना घटती है तो वह पूरी हलचल सी मच जाती है, जिसे हम कहते हैं भूचाल सा आना आ गया। पुलिस थाने लूटे गए, शोषकों को मारा गया और जंगल विभाग के कार्यालयों को भी नष्ट कर दिया गया। इस विद्रोह की आग देखते ही देखते पूरे बस्तर में फैल सी गई। राजा ने इस विद्रोह की सूचना अंग्रेजों को दी, जिससे अंग्रेज सरकार ने इसे कुचलने के लिए मेजर गेयर और ड्रिवे को 500 हथियारों से लैस सैनिकों को के साथ बस्तर भेजा गया। क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सैनिकों को घेर लिया। एक तरफ धनुष बाण भाले और फरसों से लैस भूमिका लिए थे तो दूसरी ओर अंग्रेज उसके साथ बंदूकधारी सैनिक। अंग्रेज सैनिकों ने गोली चलाई जिससे 5 क्रांतिकारी मारे गए, पर इस विद्रोह में अन्य स्थानों पर भी फैल गया। गुंडाधुर और उसके सहयोगी लाल कालेंद्र सिंह, रानी सुवर्ण कुंवर, बाला प्रसाद
बाला प्रसाद नरसिंह सिंह तथा दुलार सिंह विद्रोह की आग को हवा दे रहे थे। वे क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत थे। डोंगरगांव, अलनार तथा अन्य कई स्थानों पर इसी प्रकार तरह की मुठभेड़ों में लगभग 500 क्रांतिकारी मारे गए। तो बच्चों, आगे की पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इस पाठ को पढ़िए। धन्यवाद।